दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दो दिन पहले शुक्रवार को बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना क्षेत्र के चीबी चैनपुरा के पास पुलिस ने एक एनकाउंटर किया था। वहां पर एक तस्कर ओमाराम की मौत हो गई थी और कोसला राम तस्कर जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका जोधपुर के एमडीएम में उपचार चल रहा था। अब इस पूरे मामले में अब तक की क्या अपडेट है उसको लेकर पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। दरअसल ओमाराम की मौत के बाद उसकी बॉडी को जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया था, वहीं कोसलाराम का इलाज भी जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में चल रहा था। ओमाराम को इलाज के बाद कल छुट्टी दे दी गई और उसे जोधपुर के उदय मंदिर पुलिस थाना में पूछताछ के लिए ले जाया गया है। लेकिन ओमाराम को जो मौत के बाद उसकी बॉडी जब जोधपुर ले जाई गई तो उसके बाद से उनके परिजनों का विरोध है कि उसकी मौत बाड़मेर के गिड़ा थाना क्षेत्र में हुई है। उसके नज़दीक में बालोतरा का अस्पताल रहता है, वहाँ पर मोर्चरी है, तो आखिर इसका पोस्टमार्टम जोधपुर क्यों करवाया जा रहा है। वहीं इनके परिवार के लोग, कुछ लोग और समाज के कुछ लोग हैं, वहाँ पर धरने पर भी बैठे हैं और उन लोगों की मांग है कि इस पूरे मामले में पुलिस पूरी जाँच करें, निष्पक्षता से जाँच करें कि क्या वाकई में इसका जो ये एनकाउंटर हुआ है वो किसी साजिश के तहत तो नहीं। इस प्रकार की मांग है, विभिन्न प्रकार की मांगें भी कर रहे हैं। वहीं अब कोसला राम जो तस्कर हैं उससे अलग अलग थानों की जो पुलिस वो पूछताछ करेगी। अब उदय मंदिर पुलिस थाना है वो पूछताछ कर रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी देर बाद, करीब आधे घंटे बाद, जोधपुर की पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर ये बात भी सामने आई है कि बायतू क्षेत्र के एक गाँव में एक युवती ने सुसाइड किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि वह युवती किसी एक तस्कर की प्रेमिका थी और उसने अपने घर के बाहर पानी की टंकी में कूदकर आत्महत्या की है। हालांकि इस प्रकार की सूचनाएं सिर्फ सोशल मीडिया पर है, पुलिस के पास ऐसी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, न ही अभी तक कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं हैं कि इन दोनों तस्कर में से एक तस्कर की कोई प्रेमिका थी हो सकती है और उसने पानी के टांके में इस प्रकार की एनकाउंटर की घटना सुनने के बाद पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या की है। ये खबर जो है अब सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाओं में है और लोग कई अलग अलग फ़ोटो भी डाल रहे हैं, स्टेटस भी लगा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जोधपुर पुलिस क्या खुलासा करती है अपने आप में अहम सवाल होगा। मैं ओमाराम और कोसलाराम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ओमाराम और कोसलाराम आपस में चचेरे भाई हैं, तस्कर हैं, मध्य प्रदेश और चित्तौड़गढ़ से डोडा की तस्करी करते थे और ओमाराम कोसलाराम का राइट हैंड बताया जाता है। आपस में दोनों गहरे दोस्त भी हैं और ओमाराम ने वर्ष 2019 को कोसलाराम को जोधपुर कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर उसे वहां से फरार करवाया था, वहां से भगाकर ले गया था। उसके बाद ओमाराम कुछ महीने पहले अप्रैल में पकड़ा गया था, सिवाना की रमणिया पहाड़ियों में पकड़ा गया था। ओमाराम को जब यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद महाराष्ट्र में ओमाराम पर एक स्कॉर्पियो चोरी का मुकदमा दर्ज था और ओमाराम को जब महाराष्ट्र ले जाया गया तो महाराष्ट्र से ओमाराम के कुछ साथी थे, वहाँ महाराष्ट्र से ओमाराम को भी ये लोग भाग कर ले गए थे। उसके बाद ओमाराम फरार था, कोसलाराम पहले से ही फरार था। कोसलाराम को पिछले 6 महीने से बाड़मेर पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और शुक्रवार को चीबी चैनपुरा गांव में जोधपुर ग्रामीण पुलिस और बाड़मेर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में दोनों को पकड़ा और इस दरमियान फायरिंग भी हुई। फायरिंग में ओमाराम की मौत हो गई और कोसलाराम घायल था जिसका उपचार किया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी देर बाद पुलिस खुलासा करेगी, क्या इसमें पुलिस खुलासा करती है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे।